हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट्स एज अ बेस, एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ कैटलिस्ट। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, नाइट्रेशन। नाउ नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इन इट्स फर्स्ट स्टेप HNO3 टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन फॉर्म्स नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, दिस इज नाइट्रोनियम एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Here, HNO3 acts as a base क्योंकि it is taking electron from sulfuric acid, so sulfuric acid is acting as an acid and HNO3 as a base। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोनियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो स्टेप्स अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम नाइट्रेशन देखें, ठीक है, तो ये है हमारा बेंजीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, यहाँ हमारा नाइट्रेशन होता है। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एंड तो यहां से ये जो होगा ऑक्सीजन, ठीक है, वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ हमारा जाएगा HO+, यहाँ पे एक और H आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया एंड N डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। ठीक है, N हमारा यहाँ पॉजिटिव है। सो अब क्या होगा कि ये जो हमारा, ठीक है, ये है, ये वाटर हमारा निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा बनेगा N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा बन गया नाइट्रोनियम आयन, दैट इज NO2+, एंड ये फिर क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा एंड नाइट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2+, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे एंड ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। सो इट मींस कि यहाँ हमने देखा कि ये हमारा नाइट्रिक एसिड जो है, इसने प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड, तो इस तरह नाइट्रिक एसिड हमारा बेस की तरह एक्ट कर रहा है। सो यहाँ हमने लिखा है कि इन इट्स फर्स्ट स्टेप HNO3 टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हेंस इट एक्ट्स एज अ बेस। सो द फाइनल आंसर इज ए। सो द फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।